हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद तमरीन 24। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे वो बिल्कुल अलग तरीके की मसाला है। ये मसाला ऐसा है आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान स्पेशल रमज़ान आ रहे हैं तो आप जैसे आलू की टिक्की चाट चीज़ें बनाते हैं तो टाइम नहीं होता रमज़ान में, तो ये मसाला पीस के रख लें, किसी चीज़ में भी डालेंगे उसका मज़ा दोगुना हो जाएगा। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले खड़ा धनिया ले लिया है, खड़ा धनिया, जीरा, खड़ी मिर्च, काली मिर्च। अब हम इन सारे मसालों को रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से अच्छे से आपके ये महीन और पिस जाएंगे। चलिए इसको रोस्ट करते हैं। अब हमने एक पैन ले लिया, उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें सारे मसाले हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। ये हमने 1 कप जो है खड़ा धनिया ले लिया है, 10 से 12 खड़ी मिर्च लाल, 100 ग्राम तकरीबन हमने ये ज़ीरा ले लिया है, 1 टेबल स्पून हमने काली मिर्च ले ली है। अब इनको अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे। इसको इस तरीके से हल्के हल्के से इसको हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। फ्लेम लो ही रहेगी मेरी ताकि ये जल ना जाए। रोस्ट करने से ये अच्छे से आपका ग्राइंडर में महीन हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे। देखिए धीरे धीरे हमारा ये रोस्ट हो रहा है। ये मसाला बहुत ही बेहतरीन है रमज़ान में। आपके पास जब टाइम नहीं होता है, जल्दी से आपको अफ्तारी बनानी होती, तो इसको पीस के आप रख लें। इसको फिर जब कभी भी आलू की टिक्की, ब्रेड पकौड़ा, कुछ भी बनाएं, दही भरे इसमें डालें, उससे टेस्ट भी दुगना होगा और जल्दी से आपका काम भी आसान हो जाएगा। ये देखिए मेरा ये ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुका है मसाला। मसाला मेरा रोस्ट हो गया, अब इसको बाउल में निकालेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे हम। अब इसको ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे। ये देखिए मसाला मेरा अच्छे से रोस्ट हो गया है, ठंडा भी हो गया है। अब हम इसको एक जार में डालेंगे। अब हमने एक जार ले लिया, इसको इसमें डालेंगे। मसाला हमने जार में डाल दिया। अब इसमें ब्लैक सॉल्ट 1 टेबल स्पून लेंगे हम, उसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून वाइट सॉल्ट, 1 बड़ा चम्मच हम पिसी खटाई डाल देंगे। अब इसको अच्छे से महीन करके पीस लेंगे। ये देखिए बेहतरीन तरीके से मेरा मसाला पिस गया है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। अब इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। ये देखिए मसाला मेरा तैयार हो गया है। अब इसको स्टोर करके आप रख लें 1-2 महीने के लिए और अच्छे से यूज़, किसी चीज़ में भी आप यूज़ करेंगे इसका टेस्ट आपका दोगुना ही आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।